Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So today I have a very interesting student along with me. He is Mr. Advaresh Pandey, who has qualified his GRF in management in his very first attempt. So while interaction with him, what I got to know ki inhone kafi stress-free hoke apni preparation kari hai. Though he is coming from a very good institute that you will get to know soon, but साथ साथ इन्होंने बहुत ही consistently और बहुत ही strategically efforts किए हैं so that he can crack his UGC NET GRF in management in his first attempt. So I welcome you, Advaresh, on our channel. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you to all the viewers. Okay. So now I want you, Advaresh, to tell to our audience कि आपने क्या-क्या courses pursue किए हैं before qualifying this prestigious exam of UGC NET GRF in management. तो academically मैंने B.Tech करी है mechanical engineering से. After that I was working with a multinational company in Gurgaon for 3 years. And then I thought कि मुझे academics में ही जाना है. तो मैंने CAT लिखा and CAT के through I got into FMS BHU. BHU में यहाँ पे मैं ऑपरेशन से MBA कर रहा हूँ और इसके ही रेलेवेंट मैंने कोर्सेज कर रहे हैं कुछ कोर्सेरा से जिसमें पहले तो डेटा साइंस का एक कोर्स करा है फिर सप्लाई चेन एनालिटिक्स का कोर्स करा है सो दीज आर द कोर्सेज दैट आई हैव डन एंड या सो दैट्स हाउ इट इज राइट नाउ आई एम अ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हियर राइट सो मैं देख सकता हूँ कि since he has written CAT, तो I don't think so कि paper one में तो कोई ज़्यादा problem आई होगी अद्वरेश को. नहीं सब ठीक है वो. And since he is doing his MBA from FMS BHU, which is one of the reputed institute, so again जो इनकी conceptual clarity होगी paper two को लेके वो भी बहुत अच्छी होगी. So अद्वरेश मेरा question आपको ये है कि कब आपको realize हुआ कि अब आप ready हैं NET की preparation करने के लिए या फिर teaching के लिए and when did you actually start your preparation and कैसे तैयारी शुरू करी आपने इसके बारे में बताइए. So academics was always in back of my mind when I left my job कि मुझे academics में ही जाना है and that was the reason why I chose BHU क्योंकि BHU में क्या है कि मतलब corporate interaction का बहुत अच्छा scope नहीं है but यहाँ की पढ़ाई बहुत in depth होती है तो इसलिए मुझे ये था कि हाँ चलो back of the mind था कि academics में ही जाना है तो पढ़ाई शुरू करने का ये जब यहाँ पे आया था तो मुझे पता था कि मैं मतलब net दूंगा या फिर मैं पीएचडी ही करनी है मुझे तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही मुझे ये था कि ऑल्दो ऐसे डेडिकेटेडली नेट नहीं पढ़ाई नेट की पढ़ाई नहीं करी थी बट सब्जेक्ट्स अपने अच्छे से पढ़ रहा था तो ये था और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए तो मैंने जून वाला भरा था बट वो डिले हो गया सबको पता है एंड देन 25th को मैंने नोटिफिकेशन देखा और तब मुझे लगा कि यार इसकी तो पढ़ाई की ही नहीं मैंने बिकॉज तब तक आपके करिकुलम में 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है समर इंटर्नशिप तो मैं उससे जस्ट निकला था और फिर मुझे लगा अच्छा ये करना है तो उसके बाद मैंने फिर रिवीजन शुरू किया 25th of August दैट वाज टू लेट राइट अद्वरेश आई डोंट थिंक सो कि उससे ज्यादा फर्क पड़ा बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस क्वालिफाइंग जीआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि जो नेट का एग्जाम है वो एक मैराथन है बिकॉज उसके अंदर 10 सब्जेक्ट पेपर 1 के आते हैं 10 सब्जेक्ट पेपर 2 के आते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक से करी हुई है जहां पे आपकी ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एस्टैब्लिश्ड है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सिर्फ रिवीजन करना है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद अद्वरेश बिकॉज इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे पेपर वन को लेके वो कैट की वजह से क्लियर थे एफएमएस से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पेपर टू की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन्हें ऑलरेडी थी तो इसलिए इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा सो अद्वरेश दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन की स्पेसिफिकली पेपर वन के लिए आपने क्या स्टडी मटीरियल यूज किया पेपर टू के लिए क्या स्टडी मटीरियल यूज किया एंड कैसे तैयारी करी सो पहले चलते हैं पेपर वन पे तो पेपर वन पे मैंने सिंस कैट लिखा था तो डीआई और आरसी और ये सब का कोई इश्यू नहीं था मुझे था कि रिसर्च मेथडोलॉजी का भी एक पेपर था मेरे लास्ट सेमेस्टर में तो वो भी तैयार था मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड सोचा था कि उसको कवर कर लेंगे क्योंकि उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं तो बट तब उसको भी मैंने लास्ट मोमेंट के लिए रखा था तो मुझे लगता है कि आफ्टर 24th of September मैंने कुछ दिन के लिए पेपर वन पढ़ा था जिसमें मैंने मेरा मेन फोकस था हायर एजुकेशन पे टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्योंकि बाकी के लिए बहुत मेहनत लगती है और मार्क्स शायद उतने ना मिलते तो ऑप्टिमाइज करना था पेपर वन को मुझे एंड देन सेकंड पेपर में मैंने फर्स्ट जब पूरा ओवरऑल एक मॉक दिया था 25th को ही दिया था 25th ऑगस्ट को तो मेरे 59 मार्क्स आए थे
तो मुझे ये पता था कि मुझे 10% और चाहिए, जिसके लिए मुझे कुछ मतलब 15 मार्क्स और चाहिए, और मेरा फाइनेंस बहुत वीक था। बाकी मार्केटिंग वगैरह मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं तो बस मेरे लिए केवल एक चीज थी कि मुझे फाइनेंस अच्छे से पढ़ना है और बाकी सबको रिवाइज कर लेना है, राइट, तो दैट इज व्हाट आई डिड। वंडरफुल। सो आई थिंक मैं यही चीज इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कि सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए। अद्वरेश ने जैसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि पेपर वन में उनके लिए चैलेंज नहीं आने वाला बिकॉज ही हैज रिटन कैट, एंड पेपर टू में भी उन्होंने कितनी सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई किया एक मॉक देके कि फाइनेंस एक एरिया है जहां पे उनको वर्क करने की जरूरत है, उन्होंने उस पर काम किया एंड टुडे ही हैज क्रैक्ड हिज जीआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ अद्वरेश, वेरी वेल पुट अप इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रैटेजी। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिंस आप ऑलरेडी अपनी मास्टर्स साथ साथ परस्यू कर रहे थे, व्हाट वर द डेली रूटीन्स, किस तरीके से आप मैनेज करते थे, क्या आपका डेली रूटीन रहता था रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस समय मेरी क्लासेस चलती थी, तो उन क्लासेस के बीच में जो टाइम निकलता था उसको मैं पूरा मतलब उसको पूरा यूटिलाइज करता था। प्लस क्लासेस का चलना एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिशियल था इन अ वे, क्योंकि स्ट्रेटजी मुझे वहां से पढ़ने को मिल रही थी, ऑपरेशंस चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है तो वो पूरा वहां पे चल रहा था, तो क्लासेस मेरे लिए एड ऑन का काम कर रही थी। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेरे एक यूनिट तो एक से डेढ़ यूनिट मेरी क्लासेस की वजह से प्रिपेयर हो पाई, एंड बाकी जो टाइम था उसके लिए फिर तो मतलब फिर ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था। मतलब उस टाइम पे फिर खाते वक्त और कुछ भी करते वक्त मेरे दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था, हाँ ये करना है, ये करना है, ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि 25 दिन 30 दिन में आप क्या ही टाइम टेबल बताओगे। सो आई थिंक मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितना भी टाइम आपको मिला आपके पढ़ते वक्त आपके क्लासेस के बीच में, आपने वो पूरा टाइम डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई को दिया बिकॉज ज्यादा टाइम था भी नहीं आपके पास, एंड दैट हैज यस हेल्प सर, यू क्रैक दिस एग्जाम। यस सर, अद्वरेश, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हर स्टूडेंट को कोई ना कोई डिफिकल्टी जरूर आती है तैयारी करते टाइम, आपको क्या चैलेंजेस आए, आपको क्या डिफिकल्टी आए, बिकॉज आप ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे थे साथ साथ, तो आपको क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में कुछ बताइए। तो पहला तो यही था कि बिकॉज देर आर सम क्लासेस जो आप नहीं करना चाहते हो, मतलब नहीं करना इन द सेंस कि आपके नेट के सिलेबस के इन लाइन नहीं है, वो भी आपको करनी पड़ती है। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट वाज वन बिग थिंग, एंड सेकेंड वॉज कि मेरे पीयर्स में और कोई नेट नहीं दे रहा था, तो मतलब और मेरे लिए ऐसा कोई मेंटोर टाइप था नहीं कि जो मुझे बताए कि हाँ ये करो दिस माइट वर्क, तो मेरे लिए द ओनली ऑप्शन वॉज कि हिट एंड ट्रायल, कि मतलब ये करके देखो नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ वो करके देखो नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं, एंड देन ये चीज ही आपको मतलब क्लियर करने के लिए मुझे शुरुआत के 5 दिन इसी में लग गए कि मैं क्या करूं कि मेरे मार्क्स ऑप्टिमाइज हो, मतलब और उतनी कम मेहनत में ज्यादा नंबर आए, तो दिस वाज द मेजर चैलेंज फॉर मी, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं। तो आई थिंक एक तो टाइम मैनेजमेंट जो है ही इशू, कि अगर आप साथ में मास्टर्स कर रहे हैं या वर्किंग है तो वो आपको चैलेंज आता है। आई थिंक सेकंड चैलेंज आपको ये और आया कि अगर साथ में एक ग्रुप रहता है, अगर एक फ्रेंड्स का हाँ सर्कल रहता है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं, तो आई थिंक उसके लिए आपको खुद ही मोटिवेशन लानी पड़ती होगी, खुद ही आपको एफर्ट्स बिल्कुल करने पड़ते होंगे, एंड आई थिंक यू हैव डन इट बिल्कुल, प्रिटी वेल, काफी अच्छे से आपने किया। हाँ एक्चुअली जब आप मॉक दीजिए, 2-3 मॉक दीजिए, कोई एक स्ट्रेटजी बैक ऑफ माइंड रख के कि हाँ इस बार ये करूंगा, एंड देन आपको पता चले कि नहीं आपका नंबर बढ़ा नहीं, इनफैक्ट घट गया है, तो दैट इज अ वेरी डिसहार्डनिंग पोजिशन टू बी इन, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता आप क्या करो, तो वो चीज थी, वो थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, बट देन एक बार हो गया तो मुझे पता चला कि नहीं मुझे बस फाइनेंस पे ही फोकस करना है, तो जब वो हो गया तो फिर बाकी सब होता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है अद्वरेश कि जैसे कि हर इंसान के लिए एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बहुत स्टूडेंट एक अलग चैलेंज फेस करता है, उसके साथ एक अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं, तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि फाइनेंस पे वर्क करना है, तो आपने डेडिकेटेडली फाइनेंस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, एंड दैट हैज ब्रॉट यू हेयर वेयर यू आर। यस नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अद्वरेश, की काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाओ काम हो जाएगा, पास्ट ईयर लगा के चले जाएंगे तो नेट हो जाएगा, तो आपने कितने पास्ट ईयर्स लगाए एंड वो कितने हेल्पफुल थे आपकी तैयारी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार डेफिनेटली पास्ट ईयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बट एक चीज जो मैंने की थी वो ये की थी, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी इसमें, कि मैंने पास्ट ईयर्स तो लगाए बट मेरी टेक्निक ये थी कि पास्ट जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके चारों ऑप्शंस का बैकग्राउंड मुझे पता हो जाना चाहिए,
एक बार वो हो जाएगा तो अगली बार वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे फायदा करेगा, राइट अदरवाइज वो क्वेश्चन दोबारा तो आने वाला नहीं है. राइट राइट तो इस तरीके से मैंने पास्ट ईयर्स लगाए थे. पास्ट ईयर्स लगाने का बहुत फायदा है, पास्ट ईयर्स राइट और मॉक्स का बहुत इम्पोर्टेंस. और आफ्टर यू गिव 3-4 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके बाद फिर आपको अगला जो पेपर होता है ना उससे आपका डर खत्म हो जाता है. राइट मतलब फिर राइट आपको मिलने लगते हैं, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन पिछले वाले के हिसाब से मिल जाएंगे, तो वो चीज राइट होने लगती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट तो आई थिंक अद्वरेश आपने वही एग्जैक्टली किया जो हम अपने लाइव सेशन में बताते हैं कि आप कितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके अंदर चारों ऑप्शंस का यूज बिल्कुल करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन ना रिपीट हो बट क्योंकि सिलेबस स्पेसिफाई किया हुआ है तो टॉपिक जरूर रिपीट होने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि उससे आपको हेल्पफुल हेल्प मिली होगी. बिल्कुल सर. एक्चुअली ये जो बेसिकली ये जो तरीका था वो मैंने आप ही से सीखा था. तो इट वाज आई गेस ऑन 5th of September जब मैंने आपका चैनल पता किया कि हाँ ये हाँ चैनल है, और एंड देन आपके वो जो रिवीजन मैराथन चल रहे थे तो उसमें आप राइट यही करते हो राइट कि आप एक क्वेश्चन लिया और चारों ऑप्शंस को इलेबोरेट करते हो. तो राइट मैंने मैंने सोचा कि यार ये मतलब हर दूसरे रिवीजन मैराथन में आप किसी पहले वाली चीज को जो आप पहले एक बार कर चुके हो उसको करते हो. तो मुझे ये लगा राइट कि जब ये ऐसे काम चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ने की. इट वॉज राइट लाइक राइट रिविजन ही तो करना है, तो ऐसे करो तो राइट ज्यादा सही है. राइट एंड आई थिंक ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, ट्विस्ट करके एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी आई डोंट थिंक सो कि आप पास्ट ईयर सिर्फ लगा के चले गए तो आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पास्ट ईयर्स दीजिए वो इसलिए नहीं कि आपको बस दे के नंबर्स चेक करने हैं, राइट वो राइट इसलिए क्योंकि आपको उससे पता करना है कि अगला पेपर कैसा आएगा. राइट राइट तो ये एब्सोल्युटली राइट. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अद्वरेश की. काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो गई, अब आपके बारे में बात करते हैं कि क्योंकि आपने जेआरएफ निकाल लिया है तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? टीचिंग करनी है, पीएचडी करनी है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें. तो जब जैसा बताया एकेडमिक्स में जाना है, जब एकेडमिक्स में जाना है और लंबा रहना है तो मुझे लगता है मेरे लिए बेटर ऑप्शन यही है कि मैं पीएचडी करूं. राइट कुछ आइडेंटिफाई किया है अद्वरेश पीएचडी में क्या टॉपिक करना चाहेंगे या क्या एरिया कुछ आइडेंटिफाई किया है? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? तो टॉपिक का एक्चुअली अभी अभी एक्चुअली मुझे मैंने बताया ना मेरा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था कि हो ही जाएगा. तो मैंने राइट टॉपिक टू द पॉइंट टॉपिक नहीं सोच रखा है कि क्या करूंगा, बट जो भी करूंगा वो ऑपरेशन और स्ट्रेटजी के बीच में कुछ होगा. वंडरफुल. सो आई थिंक थोड़ा बहुत तो एरिया आइडेंटिफाई कर ही लिया आपने, तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड. अदरवाइज दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन कि क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो जून 2021 में पेपर लिखने वाले हैं यूजीसी नेट का? तो ऐसे एडवाइस तो मतलब क्या ही दूं, बट एक पहली तो एडवाइस ये है कि टेंशन मत लो, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पता करने की कोशिश करो कि हाँ तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर को. तो राइट वो एक काम करो. दूसरी चीज ये है कि जो भी मैंने बोला जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल हो. राइट राइट तो इट्स लाइक जब मैं एक चीज ट्राई करता हूँ और उस नहीं होता है तो मैं दूसरा वाला जब करता हूँ तो पहले वाले तो मुझे दूसरे वाले पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ अब यही एक ऑप्शन है, पिछला वाला राइट मैंने देख लिया फेल हो गया है. राइट तो राइट इसलिए आपको भी अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी. ये ऐसा कोई नहीं कि एक कोई तरीका है जिससे सब हो जाएगा. राइट एंड राइट थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मतलब मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं आई प्ले ड्रम्स. राइट तो वो मेरा टाइम दिन का वो फिक्स रहता है, तो मतलब राइट उसमें कोई स्ट्रेस बस्टर टाइप ऑफ अ थिंग कह फन सकते हैं कि वाले स्ट्रेस एलिमेंट बस्टर में कोई होता है. कमी मत करो. राइट राइट सो आई थिंक हाँ अद्वरेश ने बहुत अच्छी तरीके से हाँ बता दिया तो कि वो आप जरूर करो वो. यस यस सो आई थिंक अद्वरेश ने बहुत अच्छे से बता दिया कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी जर्नी, एंड साथ साथ जो भी आपका साथ में पैशन है जैसे इनका पैशन ड्रम्स है म्यूजिक में है तो आई थिंक उसको भी साथ साथ फॉलो करते रहेंगे तो बीच में जो स्ट्रेस होता है वो भी रिलीज होता रहेगा. सो आई थिंक अद्वरेश जो भी आपने चीजें बताई इट इज गोइंग टू बी यस वेरी सर. हेल्पफुल टू ऑल आर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल एंड आप हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल पे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन. आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी अ वंडरफुल टीचर अहेड इन फ्यूचर. सो थैंक यू वंस अगेन अद्वरेश.
thank you so much, sir, and to all my all the other viewers of this channel. मतलब this is already a fanboy moment for me क्योंकि सज्जय सर को मैंने शुभम सर को मैंने देखा था चैनल पे और मुझे ये लगता था कि हाँ ठीक है यार कितने आदमी है तो जब एक बार आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आपको ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी तो आपको बस ऐसे बोलना है हाँ भगवान सब सही चल रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू अब्दुलेश फॉर सो सेइंग मच दैट सर थैंक यू थैंक यू